नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं और जोर शोर से जुटे हुए भी हैं। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक चुनाव होने दीजिए, इसके बाद तय होगा कि विपक्षी एकता को लेकर बैठक कहां होगी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि जल्द ही विपक्षी एकता को मजबूत करने के मिशन को पूरा करने के लिए बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन ये बैठक कब बुलाई जाएगी इसकी तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है। कर्नाटक चुनाव के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे कहा कि हमारी सभी लोगों से बातचीत हुई है, कुछ अन्य लोगों से बातचीत अभी बाकी है। बहुत लोगों की राय है कि पटना में बैठक हो, ये अच्छी बात है, बातचीत कर सब कुछ तय किया जाएगा। अभी लोग चुनाव में व्यस्त हैं, चुनाव के बाद इस पर बात की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने में जुट गई है। बीजेपी की कोशिश है कि देश में बड़ी संख्या में लोग पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनें। पीएम नरेंद्र मोदी खुद अपनी मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर उत्साहित हैं। बीजेपी देश और दुनिया में 4 लाख स्थानों पर मन की बात का प्रसारण करवाएगी। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम के अनुसार पार्टी विदेशों सहित लगभग 4 लाख स्थानों पर लोगों को पीएम मोदी के संबोधन को सुनने की व्यवस्था करेगी। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि पार्टी के सभी सांसद, विधायक और अन्य निर्वाचित सदस्य आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की मोदी उपनाम टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई वो 2 मई को जारी रखेंगे। बता दें, जस्टिस गीता गोपी ने मामले से हटकर मामले को गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत के समक्ष सूचीबद्ध किया था। जस्टिस हेमंत, जिन्हें 29 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट में राहुल गांधी के मानहानि मामले की सुनवाई की, वो बीजेपी की पूर्व मंत्री माया कोटानी के वकीलों में से एक थे, जिन्हें 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में आरोपी बनाया गया था। वहीं केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस हेमंत ने आज बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस हेमंत ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हें बयान देते समय सतर्क रहना चाहिए था। जस्टिस हेमंत ने मौखिक रूप से कहा, वास्तव में ये उन लोगों पर ज़्यादा जिम्मेदारी और कर्तव्य है, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हें अपने बयान सीमा के भीतर देना चाहिए। इसके जवाब में राहुल गांधी के वकील डॉक्टर सिंघवी ने कहा, क्या मैंने किसी का कत्ल किया है? क्या मैंने किसी के साथ बदसलूकी की है? मैंने कथित आपराधिक मानहानि की है। राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के नामी वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलीलों को रखा। सिंघवी ने सजा पर रोक की मांग की। सिंघवी ने कहा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू को सजा पर स्थगन आदेश दिया जा सकता है तो राहुल गांधी को क्यों नहीं। लंबी दलीलों के दौरान सिंघवी ने सूरत हाईकोर्ट के द्वारा दी गई सजा पर कई गंभीर कानूनी सवाल खड़े किए। डॉक्टर सिंघवी ने आपराधिक मानहानि से जुड़े मामलों के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के द्वारा दिए फैसले भी अपने दलील के समर्थन में पेश किए, जो संविधान में दिए प्रावधानों के तहत भारत के सभी कोर्ट में लागू होता है, जिसको निचली अदालतों ने नज़रअंदाज कर दिया है। डॉक्टर सिंघवी ने कहा कि जब राहुल गांधी को पहली बार तलब किया गया था, तब प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट के सामने कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। हकीकत यह है कि कर्नाटक के चुनावी जनसभा में पूर्णेश मोदी स्वयं मौजूद नहीं थे। उन्होंने निचली अदालत में कहा था कि किसी ने उनको राहुल गांधी के भाषण में व्हाट्सएप पर क्लिप भेजी, लेकिन ये नहीं बताया कि किसने भेजा, जिसे कोर्ट ने बगैर देखे ही मान लिया और मामले की सुनवाई करते रहे और उपरोक्त सभी कानूनी पहलुओं को दरकिनार कर दिया, जो गलत है। डॉक्टर सिंघवी ने कहा कि सूरत कोर्ट का फैसला कानून रूप से अति विकृत है और गंभीर अपराध की श्रेणी में कानून रूप से नहीं आता है। अपनी दलील में सिंघवी ने कहा कि हम दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर सिंघवी ने कहा कि भाषण के मामले में 3 संभावनाएं होंगी। पहली, मैंने खुद भाषण को सुना और मैं वहां था, इसलिए शिकायत दर्ज करता हूं। दूसरी, यह हो सकता है कि एक रिपोर्टर इसमें शामिल हो और एक कहानी दर्ज करे, वह गवाही दे सकता है। और तीसरी, कोई अन्य व्यक्ति जो कार्यक्रम में शामिल हुआ हो भाषण को प्रमाणित कर सकता है। सिंघवी ने कहा, लेकिन इस मामले में मौजूद 3 शर्तों में से कोई भी उपरोक्त 3 श्रेणियों से नहीं है। इसके बाद सिंघवी ने ट्रायल कोर्ट में केस की सुनवाई, सबूतों की पेशी और रवैये पर सवाल खड़े किए। सिंघवी ने मोदी समाज को लेकर भी कहा कि 13 करोड़ का दावा किया है, जबकि ऐसा नहीं है।
समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के अनुसार राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अगर वायनाड में उपचुनाव के बाद राहुल गांधी ये केस जीत भी जाएं तो चुनाव के नतीजे तो नहीं बदलेंगे। उन्होंने ये भी सवाल किया कि शिकायतकर्ता पुणेश मोदी ने सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी की याचिका को सत्र अदालत में चुनौती क्यों नहीं दी, लेकिन दोषी ठहराए जाने पर रोक की उनकी याचिका को चुनौती दी। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 के भाषण में पुणेश मोदी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत शिकायतकर्ता को पीड़ित होना चाहिए, लेकिन यहाँ वो बात भी नहीं है। भारत और एशिया की सबसे बड़ी मल्टीमीडिया न्यूज एजेंसी एनआई का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया, लेकिन ये फिर से वापस आ गया है। एनआई का ट्विटर बंद होने की खबर एजेंसी की संपादक स्मिता प्रकाश ने अपने निजी ट्विटर हैंडल से दी थी। प्रकाश ने ट्विटर से भेजे गए एक मेल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि एनआई का हैंडल लॉक कर दिया गया। मेल में लिखा है, ट्विटर अकाउंट बनाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 13 साल होनी चाहिए। ट्विटर के अनुसार आप इन आयु आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए आपका खाता लॉक कर दिया गया है और जल्द ही इसे ट्विटर से हटा दिया जाएगा। हालांकि ये वापस आ चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपने लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये पूरे खेल जगत के लिए लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार से गुजारिश है कि इतने निर्दयी ना बनो, इनका पानी रोक दिया, गद्दे रोक दिए, बिजली काट दी गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार से जो बन सकेगा वो हम करेंगे। केजरीवाल ने आम लोगों से अपील की कि वो धरने पर बैठे पहलवानों का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत से प्यार करते हैं उनसे मैं कहता हूं कि छुट्टी लेकर आओ और इन्हें समर्थन दो। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा, हमारे देश की किसी भी लड़की के साथ अगर गलत काम हो जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन ये दुख की बात है कि वो लड़कियां जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया उनके साथ किसी आदमी ने गलत काम किया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए जंतर मंतर पर क्यों बैठना पड़ रहा है, ऐसी क्या दिक्कत है। केजरीवाल ने कहा, सोचो जो आदमी इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए 7 दिन लग गए, सुप्रीम कोर्ट लग गया, अगर ये बच्चे संघर्ष ना करते तो लड़कियों के साथ तो गलत होता रहता, ये हमारे बच्चे हैं, इन्होंने ही हमारा नाम रोशन किया था। 7 नामी महिला पहलवानों के द्वारा भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद उनकी गिरफ्तारी और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की जा रही है। लेकिन इस बीच यूपी में कई भाजपा विधायक खुलकर ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में आ गए हैं। सिंह के घर पर भाजपा विधायकों का तांता लगा हुआ है और वे सांसद का समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह से मिलने उनके गोंडा स्थित उनके आवास पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश पलटू राम ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने इस धरने को पूरी तरह से राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी की इस धरने के पीछे साजिश है। विधायक पलटू राम ने कहा, यह मामला सांसद जी के ऊपर पूरी तरह से प्रायोजित है और इसके पीछे प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है। वहीं कर्नलगंज से बीजेपी विधायक अजय कुमार सिंह ने कहा, ये शरण के खिलाफ षड्यंत्र है और बदनाम करने के लिए बीजेपी सांसद के खिलाफ साजिश रची गई है। वहीं सांसद से मिलने आए मुस्लिम समाज के एक नेता ने कहा कि सांसद जी को बदनाम करने का पूरी तरह से एक षड्यंत्र है और पुलिस की जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर अपनी प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया, साथ ही ये भी कहा कि इसके पीछे एक उद्योगपति है जो इस साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि शुरू से ही ये कह रहा हूँ। ब्रजभूषण ने कहा कि अब जब आपकी मांगे मान ली गई हैं, एफआईआर हो गई है, तो एक तरीके से कार्रवाई शुरू हो गई, तो आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? अब क्यों मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्यों खेल मंत्रालय के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्या ज़रूरत है? पप्पू यादव को बुलाने की क्या ज़रूरत है? केजरीवाल को बुलाने की क्या ज़रूरत है? सत्यपाल मलिक को बुलाने की क्या ज़रूरत है? प्रियंका गांधी को तथ्य मालूम नहीं है कि उनको कहां दीपेंद्र हुड्डा ने ला के फंसा दिया है? उस दिन उनको पता चलेगा, इस जांच की रिपोर्ट आएगी, उस दिन पता चलेगा कि गलत जगह फंस गए। एफआईआर के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा देने को लेकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है, इस्तीफा उतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं अपराधी नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने खिलाड़ियों पर लगातार डिमांड बदलने का आरोप लगाते हुए कहा, इनकी खिलाड़ियों की डिमांड लगातार बदलती है। अगर आप इनके पुराने बयान सुनेंगे तो जनवरी में इनकी मांग निकल कर आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है,
इसके चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि मैं निर्दोष हूँ और जांच का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बीजेपी नेता ने कहा कि मैं विनेश फोगाट की कृपा से सांसद नहीं बना, मेरे क्षेत्र को लोगों ने मुझे 6 बार जिताया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस ने कल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करेगी। NDTV की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के घंटों बाद 2 FIR दर्ज की। एक FIR तो एक नाबालिग खिलाड़ी की यौन उत्पीड़न की शिकायत पर है, जो पॉक्सो के तहत दर्ज की गई है, जिसमें जमानत की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरी FIR वयस्क महिलाओं की शिकायत पर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा कि दिल्ली पुलिस इस मामले को सक्रियता से आगे बढ़ाएगी। वहीं भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में पुलिस मामला दर्ज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। भाजपा सांसद ने पत्रकारों से कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठने से पहले पहलवानों को मामले की जाँच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अदालत के फैसले से खुश हूं। दिल्ली पुलिस आरोपों की जांच करेगी और मैं उनके साथ हर संभव तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। न सिर्फ धरने की जगह की बिजली काटी गई, बल्कि खाने और पानी को अंदर आने से भी रोक दिया गया। धरना कर रहे पहलवानों का आरोप है कि जैसे ही FIR दर्ज हुई, दिल्ली पुलिस ने उन पर धरने से उठने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को ओलंपिक मेडल विजेता बजरंग पूनिया ने इंस्टाग्राम पर आरोप लगाते हुए लिखा था कि विरोध प्रदर्शन स्थल पर बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाना पानी की आपूर्ति भी नहीं होने दे रही है। पूनिया ने कहा कि पुलिस विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए दबाव बना रही है। पुनिया ने कहा कि पुलिस का कहना है कि अगर हम विरोध प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं तो रोड पर सोना होगा। जिस तरह की समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है, वैसी समस्याएं पहले नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ऐसा हुआ है। पुनिया ने कहा कि ACP ने पहलवानों से साफ कहा कि जो करना है कर लो, न पानी अंदर आने देंगे न खाना, ये दिल्ली पुलिस का व्यवहार है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज सुबह पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंची। यहां उन्होंने धरने पर मौजूद महिला पहलवानों के साथ बातचीत की और मामले से जुड़ी जानकारी ली। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ रहे। प्रियंका गांधी ने पहलवानों से मुलाकात के बाद कहा, 2 FIR दर्ज हुए हैं लेकिन कॉपी नहीं मिली है। जब 2 FIR दर्ज हुए हैं तो कॉपी क्यों नहीं दी गई? कांग्रेस नेता सवाल उठाया कि जांच चल रही है तो अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने कहा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। मैं समझना चाहती हूं कि सरकार इनको क्यों बचा रही है। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है। मेडल लेकर आए तो घर बुलाया, अब क्यों नहीं बुला रहे हैं? इस आदमी यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए इतना क्यों किया जा रहा है? प्रियंका ने कहा कि मैं पूरे देश की महिलाओं से कहना चाहती हूं कि हमारी बहनें यहां अकेली संघर्ष कर रही हैं, इनका साथ दीजिए, इनकी आवाज़ उठाइए। एक पत्रकार ने उनसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने बंगले की इंटीरियर डिजाइनिंग पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने की रिपोर्ट के बारे में प्रतिक्रिया मांगी। इस पर प्रियंका गांधी नाराज हो गई और कहा, आपको पॉलिटिसाइज करना है ये सब, नहीं तो मैं चली जाती हूँ। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कहा कि यौन शोषण के आरोपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के बिना महिला पहलवानों के आरोपों की निष्पक्ष जांच नामुमकिन है। दिल्ली पुलिस ने बिना कोर्ट के हस्तक्षेप जब ब्रजभूषण के खिलाफ FIR तक नहीं की, तो पुलिस इस रसूखदार सांसद के खिलाफ जाँच कैसे करेगी? बता दें कि हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही सबसे पहले जंतर मंतर पहुंचकर महिला पहलवानों को समर्थन दिया था। इसके बाद हरियाणा की खा पंचायतों ने समर्थन दिया। फिर पश्चिमी UP से किसान नेता राकेश शिकैत, BKU अध्यक्ष नरेश शिकैत, राष्ट्रीय लोकदल यानी कि RLD के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी जंतर मंतर पहुंचकर समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी ने भी शनिवार को समर्थन देते हुए BJP नेताओं पर तीखे हमले किए। कांग्रेस ने महिला पहलवानों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता कृष्णा पूनिया ने पहलवानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा था, इन 3 महीनों के कार्यकाल में मुझे सिर्फ ये नारा ही नजर आता है। उन्होंने कहा कि बेटियों ने इनको मौका भी दिया कि उनको न्याय मिले, लेकिन 3 महीनों से न्याय ना देने की इनकी मंशा कुछ और बताती है।
उन्होंने कहा कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाले बच्चे सहनशील और संघर्षशील होते हैं, जिनके आंसू बता रहे हैं कि वो कितनी पीड़ा से गुजरे होंगे। विनेश फोगाट ने तो पीएम मोदी के सामने अपने परिवार के साथ जाकर ये सारी बातें रखी थी। उन्होंने कहा कि मेरी मोदी जी से गुजारिश है कि कम से कम उस लड़की की बात तो सुन लेते जिसको आपने बेटी माना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कर्नाटक में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर बार बार गाली देने का आरोप लगाया। राज्य के बीदर जिले के होमनाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष और कर्नाटक निवासी मल्लिकार्जुन खड़गे के हाल के विवादास्पद बयान पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी ने अब तक उन्हें 91 बार गाली दी है। पीएम मोदी ने कहा कि इन गालियों के शब्दकोश में टाइम खराब करने की बजाय अगर कांग्रेस ने इतनी मेहनत गुड गवर्नेंस में की होती तो इनकी इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। इसके बाद पीएम ने कहा कि कांग्रेस को कभी गरीब की तकलीफ समझ ही नहीं आई, इन्होंने कभी गरीबी देखी ही नहीं। कांग्रेस वो दल है जो विकास में भी राजनीति करती है, रोड़े अटकाती है। इन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान के किसानों से जो वादे किए वो अभी तक धरती पर उतरे नहीं है। बता दें, कांग्रेस के वादों पर पीएम मोदी कई बार हमला बोल चुके हैं। वहीं राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि बीजेपी 40% देखती है, इसलिए उसके लिए ये वादे समझ से बाहर हैं। यूपी के वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। आजम यूपी में हो रहे निकाय चुनाव के लिए रामपुर में पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अतीक और अशरफ की तरह उनकी भी हत्या की जा सकती है। बता दें, अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के बाद प्रदेश में डर का माहौल है। इस मामले में अदालत ने भी योगी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। चुनाव प्रचार के लिए आज निकले आजम खान ने कहा, आप मुझसे और मेरे बच्चों से क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई आए और हमारे सिर में गोली मार दे? बस इतना ही रह गया है। निजाम हिंद बचाओ, कानून बचाओ, कुछ चढ़ाना नहीं है, बस हौसला रखना है। जहां भी आपको रोका जाए वहीं बैठ जाइए और पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करें। बता दें, बीमारी से जूझ रहे आजम खान लंबे समय के बाद यूपी में आगामी निकाय चुनाव के प्रचार के लिए मंच पर आए थे। गाजीपुर में आज एक विशेष अदालत ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर से जुड़े मामलों में 10 साल जेल की सजा सुनाई है। हाल ही में इलाहाबाद में पुलिस सुरक्षा में पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की जिस तरह हत्या की गई उसके मद्देनजर आज गाजीपुर में कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसी कोर्ट ने उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद अफजाल अंसारी को लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिन्हा को हराया था। मनोज सिन्हा इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। 5 बार के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर 1996 में विश्व हिंदू परिषद के नेता नंद किशोर रुंगटा के अपहरण मामले और 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस साल जनवरी में 2001 की उसरी चट्टी गैंगवार की घटना के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने को लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एलजी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से सभी दस्तावेज कब्जे में लेने को कहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में एक मीडिया रिपोर्ट पर आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल ने अपने घर के रिनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को लिखे एक लिखित पत्र में उन्हें सरकारी रिकॉर्ड को तत्काल अपने कब्जे में लेने और जाँच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने मीडिया रिपोर्टों पर ध्यान देते हुए और मुद्दे की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इच्छा जताई है कि इस मामले से जुड़े सभी संबंधित रिकॉर्ड तुरंत सुरक्षित किए जाएं तथा इन्हें कब्जे में लिया जाए। इन रिकॉर्डों की जांच के बाद मुख्य सचिव को 15 दिनों के भीतर मामले पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। ईडी ने विदेशी फंडिंग कानूनों के कथित उल्लंघन करने के लिए बेंगलुरु स्थित एयरटेक फर्म बायजूस के सीईओ बायजू रविंद्रन के परिसरों की तलाशी ली। ईडी ने रविंद्रन और उनकी कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कानून तोड़े जाने की शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी है। छापे के बाद ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डेटा जब्त किए गए हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद इस मसले पर बायजू ने भी अपना जवाब दिया है और कहा कि ईडी की कार्रवाई फेमा कानून के तहत नियमित जांच से संबंधित है। रविंद्रन ने कहा कि हमने ईडी के अधिकारियों को जांच में पूरा सहयोग दिया, उन्होंने जो भी जानकारी मांगी हमने उन्हें प्रदान की है। हम कंपनी के परिचालन में पूरी ईमानदारी बरती है और आगे भी
हम इसके संचालन में नैतिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दुबई में खेली जा रही बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में शुक्रवार का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा है। भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 52 साल के बाद बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में मेडल पक्का करके इतिहास रच दिया है। भारतीय जोड़ी ने शुक्रवार को दुबई में क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के अनुभवी जोड़ी मोहम्मद एहसान और हेंड्रा सेतियावान को सीधे गेमों में 21-11, 21-12 से हराकर ये कारनामा करने में सफलता पाई है। रंकी रेड्डी और शेट्टी अब अंतिम सेमीफाइनल में चीनी ताइपे के ली यांग और वांग ची लिन से भिड़ेंगे। ये भारत का इस टूर्नामेंट में 52 साल बाद पुरुष युगल में कोई मेडल होगा। ऐसे में ये देश के लिए ऐतिहासिक पल है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।